आप रिटेन में थोड़ा कमजोर है चलेगा, बट आपकी फिजिकल फिटनेस, क्योंकि दोस्तों मैंने कई जगह देखा है तो कहीं पे 5 किलोमीटर रनिंग के लिए लिखा है, कहीं 1600 मीटर के लिए लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो हाइट का क्राइटेरिया है सभी राज्यों के अनुसार अलग अलग होगा, तो इसलिए दोस्तों इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर से लेकर इसमें एज 18 से 25 साल तक रखी जाएगी, मगर कुछ राज्यों में 18 से 30 साल तक। तो कई यूट्यूबर और कई वेबसाइट में दोस्तों 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय, 1/4 की निगेटिव मार्किंग, जीके के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, इस तरीके से इसका सिलेबस बताया गया है। मगर दोस्तों जहां तक मैंने रिसर्च करी है और मेरा मानना है तो इस तरीके से ये कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक वैकेंसी आने वाली है जिसके बारे में YouTube में बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, आशा करता हूँ आप लोगों ने देख भी लिया होगा। मगर दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों के पास पहुंचाई जा रही है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, या फिर कह सकते हैं उसमें बहुत सारा झोल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी डाउट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस रिक्रूटमेंट भर्ती से संबंधित है, और दोस्तों आज के इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और जो आपके सामने लाइक का बटन है इसे जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं उस भर्ती का नाम है IRB GD रिक्रूटमेंट। अब दोस्तों हम बात करें कि IRB होता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं IRB का मतलब होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। दोस्तों इंडिया में जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र उसकी आंतरिक सुरक्षा करना या फिर उसके बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए जो भी रिजर्व बटालियन होती है वही ये IRB JD पुलिस होती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में इनकी टोटल 17 बटालियन हैं जो कि झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, J&K और ओडिशा, इन सभी 5 राज्यों में टोटल 17 बटालियन तैनात हैं। दोस्तों इन्हीं सभी राज्यों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाले जाने वाला है, जिसमें कि दोस्तों झारखंड में 3 बटालियन है तो वहां पर 3000 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 2 बटालियन है तो वहां पर 2000 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 4 बटालियन है तो वहां पर 4000 वैकेंसी, J&K में 5 बटालियन है तो वहां पर टोटल 5000 वैकेंसी, और ओडिशा में 3 बटालियन है तो वहां पे 3000 वैकेंसी आने की संभावना है। अभी जो YouTube पर एक खबर चल रही है कि टोटल जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए टोटल 17000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसके लिए दोस्तों अभी तक कोई लिखित ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया है। और दोस्तों आगे की जानकारी देने के पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो भर्ती आती है IRB GD रिक्रूटमेंट 2023 यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मगर इस भर्ती का जो जुम्मा है गृह मंत्रालय ने इन सभी 5 राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, इसलिए यह जो भर्ती आएगी ये सभी राज्य अपनी अपनी राज्य की जो उनका मापदंड है उसके अनुसार से भर्ती निकालेंगे। इसलिए इसमें दोस्तों एज, हाइट, रनिंग इन सभी में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें, क्योंकि जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो एज, हाइट, वेट, रनिंग इन सभी चीजों के बारे में आपको सही जानकारी मिल पाएगी। अभी तक जितने यूट्यूबर हैं उन्होंने एक अजम्पशन पे, मतलब उन्होंने अज्यूम किया है कि ऐसी हाइट हो सकती है, इतनी एज हो सकती है, अभी सब कुछ अजम्पशन में चल रहा है, मगर अभी तक कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए दोस्तों आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जरूर वेट करें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरा मानना है इसमें एज 18 से 25 साल तक रखी जाएगी, मगर कुछ राज्यों में 18 से 30 साल तक रखी जाएगी, और जो एज की गणना है दोस्तों वो 1 अगस्त 2023 तक की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2023 तक आप 18 से 25 साल तक हो जाएं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों इसमें 10th पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, ये वैकेंसी अभी तक ऑफलाइन माध्यम से आती थी, इसलिए इसके बारे में अभी बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि भर्ती क्या है और कैसे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है, मगर यह पहली बार होगा जब यह भर्ती ऑनलाइन माध्यम से आएगी, जिसमें जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपए फीस और फीमेल, एससी और एसटी इनको कोई भी फीस नहीं देना है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की दोस्तों, तो इसमें जो मुख्य है सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस, मतलब ये जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर आपकी फिजिकल फिटनेस होना बहुत ही अनिवार्य है। आप रिटेन में थोड़ा कमजोर है चलेगा, बट आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। मेरी बात दोस्तों याद रखना, जो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उनको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अपना फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वो उसके बाद रिटेन के लिए बुलाए जाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा,
और फिर बाद में ड्राइविंग टेस्ट, ये कुछ ही राज्यों के लिए है, ये सभी राज्यों के लिए नहीं होगा। बात करें हाइट की, तो दोस्तों इसमें कुछ यूट्यूबर है जो हाइट 170 सेंटीमीटर बता रहा है, कोई 165 सेंटीमीटर बता रहा है, कोई 168 सेंटीमीटर बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो हाइट का क्राइटेरिया है सभी राज्यों के अनुसार अलग अलग होगा, तो इसलिए दोस्तों इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बात करें चेस्ट की, तो दोस्तों इसमें 80 से 85 सेंटीमीटर तक चेस्ट होना अनिवार्य है। बात करें रनिंग की, तो दोस्तों रनिंग के लिए भी अभी कोई क्लियर नहीं है कि रनिंग इसमें कितनी मांगी गई है, क्योंकि दोस्तों मैंने कई जगह देखा है तो कहीं पे 5 किलोमीटर रनिंग के लिए लिखा है, कहीं 1600 मीटर के लिए लिखा है। अगर दोस्तों इसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती है तो इसमें आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा, और अगर 1600 मीटर की रनिंग होती है तो इसमें 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, वो भी पुरुषों को। बात करें महिलाओं की दोस्तों, तो इसमें 1600 मीटर इनको 8.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में इनको रनिंग करना होगा। अब बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो कई यूट्यूबर और कई वेबसाइट में दोस्तों 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय, 1/4 की निगेटिव मार्किंग, जीके के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, इस तरीके से इसका सिलेबस बताया गया है। मगर दोस्तों जहां तक मैंने रिसर्च करी है और मेरा मानना है, तो इस तरीके से ये कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जो कि 55 नंबर का होगा, उसके बाद दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका 35 नंबर का होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रैंक होगा, इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, आप इसको सिर्फ क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा ये 5 नंबर का होगा, उसके साथ साथ जो लोग एनसीसी वाले होंगे उनको 5 नंबर की छूट मिलेगी, स्पोर्ट वालों को 15 नंबर की, और हायर एजुकेशन जिसके पास है उसको 5 नंबर की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित। अब मैं आपको बता दूंगी जो लोग इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होंगे तो उनको इसमें पेमेंट कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें बात करें पेमेंट की, तो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेकर 30,000 तक पर महीने तक हो सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो भर्ती निकाली जाएगी झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और ओडिशा, इन 5 राज्यों के लिए निकाली जाएगी, जिसमें टोटल 17 बटालियन है, इन्हीं में सभी वैकेंसी का बंटवारा होगा और ये इन सभी राज्यों द्वारा निकाली जाएगी, मगर इसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने भाई का मनोबल जरूर बनाएं। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।